100 है तो इनको अलग रखते हैं। तो आईक्यू के आधार पे सेग्रीगेट नहीं करना जरूरी है, इसका रीजन बताइए। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर टीचर्स, टीचर के लिए इनकन्वीनियंस है, टीचर के लिए यहाँ पे कोई इनकन्वीनियंस नहीं है और टीचर की कन्वीनियंस की किसी को पड़ी भी नहीं है। अगर हम बात करें पूरे सिस्टम में, हमें बच्चे को सेंटर रखना है, बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए है, ठीक है ना। अगर हम बात करें हिंदी में नॉट नहीं भी था तो वो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, वो वाला जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो नॉट वाला ही था क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शंस पॉजिटिव हैं उसमें। तो आपको इंग्लिश में देख लेना है, ऐसा पेपर में भी होता है, हो सकता है पेपर में भी हुआ हो, है ना। मैं पानी पीती हूँ, इतने आप जवाब बी ऑप्शन के होंगे लोग। चलिए देखेंगे, टीचर की इनकन्वीनियंस हटा देंगे कि अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर स्कूल्स, विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, विद्यालय स्कूल इन सब के लिए, इनके लिए तो बल्कि ये सुविधाजनक है। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कम्पीट अमॉन्ग देयर, कम्पीट होगा ये कम्पीट नहीं होगा, कम्पीट अमॉन्ग देमसेल्व्स अक्रॉस ग्रुप्स। भैया इससे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ही ग्रुप्स में कि ज्यादा आई क्यू वाले हैं, ये ए सेक्शन वाले वाले हैं। तो डी ऑप्शन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आई क्यू इज नॉट स्टेबल एंड इट also leads to labeling of children। मतलब कि बुद्धि लब्धि की जो संकल्पना है वो स्थायी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोज चेंज हो जाता है आईक्यू, लेकिन हाँ लंबे समय के दौरान अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज है जो फ्लीन इफेक्ट है। फ्लीन इफेक्ट क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर जो है वो डी है कि आईक्यू के आधार पर हम नहीं बांटेंगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं है और इसके और भी रीजंस हैं। फ्लीन इफेक्ट ये कहता है, इन इफेक्ट प्लेन का प्रभाव है, ये कहता है कि भैया हर एक डेकेड में, है ना, एवरी डेकेड, डेकेड मतलब हर 10 सालों में जो जनरेशन या पॉपुलेशन है उसका आईक्यू, उसका एवरेज आईक्यू, जो एवरेज आईक्यू ऑफ पॉपुलेशन है, आईक्यू, आईक्यू क्या है, एक मापने का तरीका है इंटेलिजेंस को। तो आईक्यू जो है एवरेज आईक्यू ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ठीक। यानी अगर आप देखेंगे आजकल, आपने कहते हुए सुना होगा भैया आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर हैं, बहुत कम एज में बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहली जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी बेटर होती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशनल फैक्टर्स सुधर रहे हैं या एजुकेशनल फैक्टर्स सुधर रहे हैं। तो आईक्यू भी हर एक डेकेड में आपकी जनरेशन का थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, एवरेज इंटेलिजेंस। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे उस आधार पे कि स्टेबल नहीं है और इससे लेबलिंग हो जाएगी कि आपने बच्चों को लेबलिंग कर दी, बच्चों पे ठप्पा लगा दिया, जबकि हमें सेग्रीगेट नहीं करना होता, बच्चे को इंक्लूड करना होता है, अलग थलग नहीं करना होता, लेबल नहीं करना होता। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 हम प्रॉपर समझेंगे कॉन्सेप्ट को, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो आप सिर्फ, हाँ मैं सभी सब्जेक्ट करा दूंगी आकांक्षा, ज्यादातर जितने भी सब्जेक्ट है मेन उनकी मैं करा दूंगी, ऑनलाइन पेपर डोंट वरी। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर की थियोरी के अनुसार इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्य बुद्धि के भी अलग अलग प्रकार दिए हैं, ठीक है ना, विदिन अ क्लासरूम। बिकॉज क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि गार्डनर ने बुद्धि के अलग अलग प्रकार दिए हैं, तो वो कह रहे हैं कि बुद्धि के अलग अलग प्रकार हैं तो बच्चे सीख भी अलग अलग तरीके से सकते हैं, तो उनको सिखाओ भी अलग अलग ढंग से, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंसेज, यानी बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। यानी जो अलग अलग प्रकार की बुद्धि होगी, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में, जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी, ठीक। तो अलग अलग इंटेलिजेंस के बच्चों को केटर कर पाएंगे अगर आप अलग अलग इंटेलिजेंस या पढ़ाने के तरीके इस्तेमाल करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस की इन्होंने कोई बात नहीं की। हेल्प्स टू क्रिएट अ स्टार स्टूडेंट, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा कि जिनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, जिनका आईक्यू स्कोर ज्यादा है वही इंटेलिजेंट है, ऐसा गार्डनर नहीं मानते। इट हेल्प्स इंप्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ऐसा भी इन्होंने कुछ कहा नहीं है, ना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कोई टाइप दिया है, ठीक। तो ए ऑप्शन स्टर्नबर्ग ने दी है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मतलब दी मीन्स उन्होंने अपनी थ्योरी में बात की है, ऐसे तो थॉर्नडाइक ने भी अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी में बात की है इसके बारे में, वैन हिल भी कर लेंगे, डोंट वरी, सब करेंगे, सब करेंगे, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, टेंशन मत लो, आने दो एक बार पेपर, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिएगा अगर हम बात करें द टू वर्ड अटरेंसेस, बहुत ही आसान, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता रहा है, अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता रहा है, है ना। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो हम देख सकते हैं कि द टू वर्ड अटरेंसेस ऑफन यूज्ड बाय यंग चिल्ड्रन, यानी दो शब्द, डेढ़ से ढाई वर्ष के बच्चों में जब वो दो शब्दों को जोड़ करके द्वि शब्दी उच्चारण, यानी टू वर्ड स्टेज कहते हैं इसको, जब वो कहता है पानी दो, है ना, टू वर्ड स्टेज। इस टू वर्ड स्टेज को मैंने कितनी बार बताया है कि ये वो टाइम है जब बच्चा 1+1 यानी दो वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना सीखता है, यानी मुझे पानी दो, या मुझे ये पानी दो मान लो, है ना। तो ये क्या है, ये टेलीग्राफिक स्पीच कहलाते हैं, है ना।
इसका तार प्रश्न वाचन या टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। इसको बैबलिंग होती है जब वो बा मा पा इस तरह की बात करे, बाकी दोनों इससे संबंधित नहीं है। तो टेलीग्राफिक स्पीच को टू वर्ड स्टेज या ये वो पहली बार है जब बच्चा सेंटेंस बनाना सीखता है दो शब्द जोड़ करके, टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। 2 साल 18 से 24 महीने का टाइम है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैन जनरली थिंक विद देयर हेड्स एंड वुमेन विद देयर हार्ट्स, यानी जो पुरुष हैं वो ज्यादातर अपने दिमाग से सोचते हैं और जो महिलाएं हैं वो अपने दिल से सोचती हैं। ऐसा आपको देखने को समाज में मिल सकता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारी संस्कृति हो सकती है या हमारा सोशलाइजेशन उस तरह से किया गया है, कंडीशनिंग वैसी कर दी गई है कि हायरे बस चिंता तो माता जी को ही होती है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ महिलाएं भी प्रैक्टिकली सोच सकती हैं और कुछ पुरुष भी इमोशनली सोच सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है, और अगर ऐसा जनरली हम समाज में देख रहे हैं तो उसका रीजन हमारी कंडीशनिंग, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा सोशलाइजेशन है। उसका रीजन ये नहीं कि हम बायोलॉजिकली ऐसे हैं कि महिलाओं को ही सिर्फ दिल से सोचना है ना। दिल तो पुरुषों के पास भी होगा कि नहीं है, चेक कराओ एक बार जाके, हार्ट बीट तो चली रही होगी। खैर ये तो हुई मजाक की बात। तो ये स्टेटमेंट टोटली स्टीरियोटाइपिकल स्टेटमेंट है ना। डिस्क्रिमिनेशन की तो बात हम यहाँ पे तब करें, ये डिस्क्रिमिनेशन स्टीरियोटाइप में अपने आप निहित होता है, ये बात याद रखिएगा। इसका डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि स्टीरियोटाइप में डिस्क्रिमिनेशन निहित होता है। कैसे, अगर कोई क्यों से बेहतर होते हैं गणित में तो डिस्क्रिमिनेशन तो अपने आप हो गया ना, भेदभाव तो इसमें अपने आप है। एक तो ये चीज चली आ रही है, जब डिस्क्रिमिनेशन लंबे समय तक चला आए एक समाज में, उस चीज को जब एक रूढ़ी के रूप में मान लिया जाए तो वो डिस्क्रिमिनेशन स्टीरियोटाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टीरियोटाइप में डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस इंक्लूडेड होती है, ठीक है ना। तो जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू सेक्सेस, ऐसा नहीं है कोई जेनेटिक डिफरेंस नहीं है, जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है कि बच्चे को समझ में आ जाता है कि भैया अब मेरा जेंडर कोई चेंज होने वाली चीज नहीं है, कपड़ों की तरह जेंडर नहीं बदला जा सकता। तो बी ऑप्शन ये स्टीरियोटाइप है, डिस्क्रिमिनेशन इसी में समाहित है, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन से बेटर ऑप्शन स्टीरियोटाइप है, क्योंकि समाज में ऐसा चला जाता रहा है। ठीक, क्वेश्चन 3 देखिएगा फटाफट से, सर में इतना भयंकर दर्द है पता नहीं क्यों, देखिएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज वुड यू नॉट यूज, नजर उधर तो नहीं लगा दिया अपने ब्लॉग देख के, आप लोग तो नहीं लगाओगे वैसे अच्छे लोग, ये देखो एक ही से देख तुमने लगाइए ऐसे ऐसे मानते हैं कई लोग, तो मुझे याद आ गया हमारी भाभी है वो नजर उतारने में एक्सपर्ट है, आज वो है नहीं तो उतरवा लेते हैं उनसे, मजाक कर रही हूँ। खैर आ जाओ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज वुड यूज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी प्रगति, हाँ अपनों की नजर नहीं लगती, अब मैं ये वाला डायलॉग मारूंगी। देखो एक बार, अगर हम बात करें प्रगतिशील कक्षा की तो कौन सी मूल्यांकन विधि, यानी अगर आपको बच्चे को असेस करना है किसमें, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, जहां बच्चे चाइल्ड सेंटर्ड है, जो बाल केंद्रित है, जहां लर्निंग बाय डूइंग यानी एक्टिविटीज के थ्रू, एक्टिविटीज यानी क्रियाओं के थ्रू सीखना होता है। तो अगर हम बात करें कौन सी एक चीज इस्तेमाल में नहीं लाई जाती, तो यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स ऑफ टीचर्स, यानी अध्यापकों का नोट लिख है भाई, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर्स यानी अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल। तो वो खुद के लिए तो कर ही सकते हैं ना टीचर्स रिफ्लेक्टिव जर्नल का, कि मैंने ये कराया उसका ये हुआ, किसी बच्चे ने कुछ और रिएक्ट किया, अपने लिए तो टीचर बना सकता है रिफ्लेक्टिव जर्नल, ये तो ठीक है। सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट ये भी होता है, रिलायंस ऑन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ओनली ये गलत तरीका है, क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोली तरीका है, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित रहना कि आपने साल में एक बार बोर्ड के एग्जाम्स लिए और बस उसी को फाइनल मान लिया, तो इसमें चाइल्ड सेंटर की जगह ही नहीं बची। को फाइनल मान लिया तो इसमें चाइल्ड सेंटर्ड की जगह ही नहीं बची, ठीक है ना, क्लियर है, चलेगा आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, ये कहता है बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी जब आप समावेशित करते हैं किसको, भाषा को और संस्कृति को, ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, डिसएडवांटेज्ड यानी जो ग्रुप या कोई भी समूह जो किसी भी रूप में पीछे रह गया है, वो महिलाएं हो सकती हैं, वो कोई ट्राइबल कम्युनिटीज हो सकती हैं, या किसी भी आधार पर आर्थिक या सामाजिक रूप से जिनको वंचित रखा गया हो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया रूपा कह रही, मैं भी उतार देती हूँ नजर, बहुत बढ़िया रूपा, थैंक यू सो मच, आपका शगुन हम बाद में देंगे। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और डिसएडवांटेज्ड यानी किसी भी आधार पे हाशिए पे हैं जो भी ग्रुप्स, उनको हम इसमें काउंट करेंगे। विद इन द स्कूल करिकुलम आर टीचर कैन एंश्योर, यानी बच्चों की, उन बच्चों की भाषा को जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से हैं,
जो वंचित समूह वर्ग से हैं, उनकी भाषा उनकी संस्कृति को भी जब आप वैल्यू कर रहे हैं क्लासरूम में, तो उसका क्या प्रभाव होगा। पहला है इक्वालिटी इन एजुकेशन। भैया इक्वालिटी नहीं है, बराबरी का मतलब तो ये हो गया जितने शब्द उनकी लैंग्वेज का यूज करेंगे उतने ही दूसरे की करेंगे, तो ऐसे तो आप खत्म हो जाएंगे। बराबरी का मतलब क्या है फिर, तो एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। ठीक, तो ये वो वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक, यहाँ इक्विटी की जरूरत ज्यादा है ना, इक्विटी की जरूरत ज्यादा है, इक्विटी इन एजुकेशन। भाई घर में भी अगर कोई बीमार होता है तो आप बीमार व्यक्ति को ये थोड़ी कहते हैं कि भाई ये तेरा ही काम है तुझे ही करना है, आज आप कर देंगे जैसी जरूरत हो वैसा कर देते हैं आप। तो इंक्लूसिव यानी इंक्लूड करना, इक्विटी समता, समता और समानता में अंतर है। इक्वालिटी इज के हाफ हाफ दे दो दोनों को या बराबर ही चाहिए। इक्विटी है जिसको जब जैसी जरूरत है नीड के अकॉर्डिंग आप सामने वाले के सेंसिटिव हैं उसकी नीड के प्रति। ठीक है, ये इक्विटी के आधार पर ये हम मेट्रो ट्रेन्स में क्या देख रहे हैं, रिजर्वेशन देख रहे हैं, या रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अपने आप में इक्विटी बेस्ड है। ठीक, तो सिंपैथी फॉर द सिंपैथी से क्या होगा, वोकेशनल एजुकेशन सिर्फ अंडर प्रिविलेज के लिए नहीं, इससे इक्विटी मतलब आप उनको भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनकी भाषा उनकी संस्कृति को जिसको साइड कर दिया गया था। तो ये साम्यता का आधार है, आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इक्विटी के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। इस बारे में भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कॉन्टिन्यूअल चैलेंज, यानी लगातार बच्चे को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी गणित के ऑपरेशंस, 2+2 में उसको दिक्कत होती है, मैथ्स से रिलेटेड चीजों में उसको डर लगता है, फोबिया हो गया है मैथ्स का। ठीक है, सामना करना पड़ता है, इसकी वजह क्या हो सकती है भैया, मैथ्स में दिक्कत क्या ऑटिज्म कहलाती है? जी नहीं, ऑटिज्म में तो बच्चा बार बार रेपिटेटिव बिहेवियर करता है ना, और भी ऐसे बहुत रिटिव एक्शंस करेगा। इसके अलावा जो उसका ब्रेन है वो ठीक ठाक होता है, और भी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, आप बताएंगे कमेंट करके। बताओ जरा ऑटिस्टिक, बैठी हो बता नहीं रही हो, ऑटिस्टिक बच्चे के लक्षण बताओ। इमोशंस खत्म, रोबोट होता है, अच्छा मतलब इमोशनली ठीक नहीं। और बताओ बेसिकली सोशली ठीक से बिहेव नहीं करते, स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर करते हैं, बताओ जरा बताओ, आज मैं बता दो, ये हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर बैठे हैं ये बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ज्यादा सोशल नहीं हो पाते सोशली, मतलब गैदरिंग में या इंटरेक्शन में उनको दिक्कत होती है, और अगर आसपास सराउंडिंग में कुछ भी चेंज होता है तो भी वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, और अगर हम बात करें तो बार बार सेम चीज रिपीट करते हैं, चाहे वो बोलने में हो चाहे वो एक्टिविटीज में हो, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर उसको कहते हैं। ठीक है, डिस्कैलकुलिया यानी गणित, तुम सो गई थी यहाँ बैठ के, सोने आती हो तुम, फोन लगाते लगाते सो जाती हो, गणित वैफल्य कहते हैं उसको, डिस्कैलकुलिया मतलब हम ये कहेंगे मैथ्स की जो दिक्कत है वो ऑटिज्म में नहीं है, वो कैलकुलेशन की दिक्कत है अगर, तो इसको हम डिस्कैलकुलिया कहेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दर्द हो तो बता दीजिए। ओहो बहुत बढ़िया, खुद में खोया रहता कह सकते हो, हाँ कह सकते हो। अगर हम बात करें डिसग्राफिया की, तो ग्राफिया है राइटिंग, ग्राफिया क्या है राइटिंग। ठीक, डिसलेक्सिया है रीडिंग, डिसलेक्सिया है रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक, ऑटिज्म के आपको कई लक्षण हमने बता ही दिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा जवाब पहले कि हम पानी पिए, आज लाइफ देखना क्या कह रहे हो। मजा आ रहा है दशहरा पे पढ़ के, कैसा लग रहा है बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दुनिया मजे कर रही होगी आप पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा होगा आपको। आज मेरे चार गलत हो गए, दुख हो रहा है, कोई बात नहीं श्वेता, पेपर में नहीं होने चाहिए, है ना, मेन मुद्दा वो है, बाकी तो सब ठीक है, चल जाएगा। कौन है मैम आपके साथ? निशा है, स्वीकृति निशा, हमारे जीवन में और क्या है, ऐसे ही लोग हैं इन्हीं को झेल रहे हैं हम, और ये हमें झेल रहे हैं। देखिए एक बार अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग will not be an effective strategy for the education of a student with hearing impairment within an inclusive institution, यानी कौन सा तरीका hearing impaired बच्चे के लिए, यानी जिस बच्चे को श्रवण दोष है, जिसको सुनने में दिक्कत है, उसके लिए ठीक नहीं है, कौन सा तरीका। भाई अगर आपको सुनने में दिक्कत है और आपको कोई सुनने के लिए ही कहे तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ दिखाने की बात करो, ठीक है ना। हाँ अंतरा करके कोई तो सीरियल आता था, सही बात है। देखिएगा, यूज ऑफ सबटाइटल्स विच
वाइल स्क्रीनिंग वीडियोस और मूवीज, ये तो बात सही है भाई, जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो उसको सुन के ठीक से समझ नहीं आएगी मूवी, तो अगर वो सबटाइटल लिखे होंगे तो वो पढ़ लेगा वहां पे, अच्छी बात है। यूज ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स इन टीचिंग, अगर मैं एक बड़े की बात कर रही हूँ तो बड़ा जब मैं ऐसे जेस्चर्स में दिखाऊंगी तो जिस बच्चे को सुना नहीं भी होगा तब भी उसको समझ में आ जाएगा एटलीस्ट, तो जेस्चर्स जरूरी है, एक्सप्रेशंस जरूरी है। सप्लीमेंटिंग ओरल कम्युनिकेशन विद टेक्सुअल और विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये बात सही है कि आप सिर्फ जो टेक्सुअल कम्युनिकेशन है उसको विजुअल के साथ भी रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना। अब जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण हेतु मुख्यतः है मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, ये कहती है कि समझदारी नहीं है, जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है उस पे आप रिलायंस किस पे है, आपका पूरा जोर किस पे है, आप किस पे निर्भर है, वर्बलाइजेशन पे, मतलब आपकी क्लास में कोई तरीका नहीं है, ना कोई पिक्चर दिखाई जाती है, ना कोई टेक्सुअल फॉर्मेट है, ना कुछ है, बस आप कह रहे हैं सुन के ही सीखना है, हम तो लिखवाएंगे भी नहीं आज से, तुमको बस सुनाएंगे ही, और जिसको सुनने में दिक्कत है उसको अगर सुनाओगे ही तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी, आप बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, तो ये डी ऑप्शन है, और यही है कि गलत कौन सा है, वो है डी।